괜찮아? 안 다쳤어, 알콩? 달콤. 뭔가. 엉덩이 빼고 이렇게, 어? 이렇게. 이게 가장 아름다운 자세다. 이렇게. रेडी हो जाओ क्योंकि आज मैं आपको फनीएस्ट कोरियन ड्रामा सजेस्ट करने वाला हूँ। शुरू करते हमारी लिस्ट को किल मी हील मी के साथ। ये कोरियन ड्रामा एक अमीर आदमी की कहानी है जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है और जिसके पास पास्ट ट्रॉमास की वजह से 7 अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं उसके अंदर। अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखने के लिए वो एक फर्स्ट ईयर साइकेट्रिक रेसिडेंट के पास जाता है जो उसके इन कंडीशंस के पीछे छुपी हुई डीप रूटेड इश्यूज को अनकवर करती है। इस शो के इम्प्रेसिव कास्ट और इंट्रीगिंग स्टोरी लाइन के बियॉन्ड इसके फनी मूवमेंट्स आपको विंज वॉच करने पर मजबूर करेंगे। रेडी हो जाओ एब्सर्ड सिचुएशंस के लिए क्योंकि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है और उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज मिलकर खूब सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं दोनों हमारे मेल लीड और फीमेल लीड के लिए। अगर आप एक ग्रिपिंग स्टोरी के साथ कॉमेडी एंजॉय करना चाहते हो तो किल मी हील मी आपके लिए है। नेक्स्ट इज सी वाज प्रीटी। ये एक फनी रोम कॉम है जो एक लेडी की कहानी बताता है जो पहले तो खूबसूरत थी लेकिन परिवार के फाइनेंशियल डाउनफॉल के बाद उसकी लुक्स बदल गए। फिर उसे एक मौका मिलता है अपने बचपन के दोस्त से मिलने का जो अब एक सक्सेसफुल और हैंडसम जेंटलमैन बन चुका है। अपनी करंट अपीयरेंस से शर्माते हुए वो अपनी गॉर्जियस बेस्ट फ्रेंड को कन्विंस करने में लग जाती है कि वो उससे रियूनियन करवा दे। और फिर क्या होता है, वो सेम मैगजीन कंपनी में काम करने लगती है जहां उसका बचपन का दोस्त डिप्टी चीफ एडिटर होता है। कलीग्स के साथ उसकी इंटरेक्शन, अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखने की कोशिश और डेडलाइन को मीट करने का स्ट्रगल जो इसे एक ट्रूली जॉयफुल वॉच बनाता है। अगला है वेट लिफ्टिंग फेरी किम बॉक्जो। ये कोरियन ड्रामा परफेक्टली ब्लेंड करता है रोमांस और कॉमेडी को और एक स्प्लिटेड कॉलेज स्टूडेंट की जर्नी को एक्सप्लोर करता है जो अपनी यूनिवर्सिटी के वेटलिफ्टिंग टीम में है। वो टिपिकली यूथ के स्ट्रगल्स को फेस करती है जैसे कि इनसिक्योरिटीज, फ्रेंडशिप डेवलप करना और अपने फर्स्ट क्रश के एक्सपीरियंस को हैंडल करना। उसका क्रश एक चार्मिंग ओल्ड डॉक्टर है जो एक वेट लॉस क्लिनिक चलाता है। अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए वो सीक्रेटली उसके क्लिनिक विजिट करती है जिससे ह्यूमरस और ऑकवर्ड सिचुएशन का सिलसिला शुरू होता है। वो अपनी रिगरस ट्रेनिंग को बैलेंस करती है और डॉक्टर्स की वेट लॉस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती है जिसकी वजह से उसके वेट लिफ्टिंग गोल्स में क्लैश होने लगते हैं। तो अगर आप एक रिफ्रेशिंग रोम कॉम के मूड में हो तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट इज फाइट फॉर माय वे। ये मस्ट वॉच के ड्रामा है। इसमें हम चार दोस्तों की जिंदगियों को एक्सप्लोर करते हैं जो एडल्टहुड को नेविगेट करते हुए अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं। ड्रामा मेनली दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स पर फोकस करता है। एक फॉर्मर मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर है और एक डिपार्टमेंट स्टोर में एम्प्लॉय है जो अनाउंसर बनने की सपना देखती है। ये दोनों बिकरिंग फ्रेंड्स से ग्रेजुअली लवर्स बन जाते हैं। ये दोनों अपनी वीटी हरकतों से और कॉमेडिक टाइमिंग से आपको पक्का हंसा कर रखेंगे और इनके अलावा इनके क्वर्की सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो और भी अम्यूजिंग सीन्स क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने फाइट फॉर माई वे नहीं देखा तो जाकर देखो। अगला है फेरी प्रीस्ट। अगर आप एक एक्शन पैक्ड कॉमेडी के मूड में हो तो ये ड्रामा आपके लिए परफेक्ट है क्योंकि ये स्टोरी है एक हॉट टेम्पर्ड NIS एजेंट के बारे में जो प्रीस्ट में बदल जाता है और ये अपने केस को सॉल्व करने के लिए अनकन्वेंशनल और फोर्सफुल मेथड्स का यूज करता है। एक मिस्टीरियस डिमाइस के बाद वो अपने मेंटर की डेथ के पीछे की सच्चाई को अनकवर करने के लिए एक डिटेक्टिव और एक प्रोसिक्यूटर के साथ टीम अप करता है जहाँ पर ये लोग सिटी के सबसे बड़े गैंगस्टर और करप्ट ऑफिशियल से भिड़ते हैं। सीरियस बिटी बैंटर, स्लैपस्टिक कॉमेडी और प्रीस्ट के ओवर द टॉप सॉल्यूशन से भरी हुई और इसके अजीबोगरीब आइडियाज जो करप्शन और क्राइम को फाइट करने में मदद करते हैं। तो फेरी प्रीस्ट को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करना। मिस्टर क्वीन, ये टॉप रेटेड हिस्टोरिकल रोमकॉम आपको बहुत हंसाने वाला है। अपनी यूनिक प्रीमाइस के साथ एक लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट के बाद एक मॉडर्न डे सैफ की सोल एक जोसियन क्वीन की बॉडी में आ जाती है। ये सीरीज सैफ के हिलेरियस और ऑकवर्ड अटेम्प्ट्स को दिखाती है जैसे कि कोर्ट लाइफ, रॉयल ड्यूटीज और एक लेडी के रूप में उसके जीने के चैलेंजेस को नेविगेट करती है। हमारा सेफ तो मॉडर्न है लेकिन वो एक जोसियन ट्रेडिशन को फॉलो करता है जिससे काफी फनी सीन्स क्रिएट होते हैं। जैसे जैसे वो किंग के लिए अनएक्सपेक्टेड फीलिंग के साथ स्ट्रगल करता है कहानी एक चार्मिंग और ह्यूमरस रोमांस में अनफोल्ड होती है। हिस्टोरिकल ड्रामा और कॉमेडी का ये डिलाइटफुल ब्लेंड आपको जरूर पसंद आएगा। ट्रू ब्यूटी। ये रोम कॉम ड्रामा एक स्प्लिटेड हाई स्कूल गर्ल की कहानी है जो अपनी अपीयरेंस के लिए बुलिंग से परेशान है। वो एक मेकअप एक्सपर्ट बन जाती है यूट्यूब वीडियोस देखकर और स्कूल की गॉडेस बन जाती है। नई पॉपुलरिटी पाते ही वो अपने बुलीज से पीछा तो छुड़ा देती है लेकिन अब उसको डेली चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है अपने फ्लॉलेस फसाद को मेंटेन करने का और स्कूल लाइफ के ड्रामा को नेविगेट करते हुए।
जैसे तैसे वो एक लव ट्रायंगल में फंस जाती है, कॉमेडी और भी बढ़ जाती है जो उसके और उसके रोमांटिक इंटरेस्ट के बीच होती है। जो लोग एक हर्टफेल्ट और अम्यूजिंग वॉच के मूड में हैं और अभी तक उन्होंने ट्रू ब्यूटी नहीं देखा तो उनके लिए ये परफेक्ट ड्रामा है। और आखिर में गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हर एक ऑफिस एम्प्लॉय अपनी कंपनी के अंदर फील करता है। ये शो एक ब्राइट और एंथुजियास्टिक पर क्लमजी एम्प्लॉय के आसपास घूमता है, एक वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड असिस्टेंट मैनेजर जो अपने शॉर्ट टेम्पर के लिए जानी जाती है, एक जूनियर एम्प्लॉय जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है, और एक ऑफिस ब्यूटी के आसपास घूमती है जिसकी पर्सनैलिटी ड्रंक होने के बाद और भी ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ले लेती है। व्यूअर्स को कैरेक्टर के साथ और भी मजा आने वाला है क्योंकि उनके हिलेरियस एंटिक्स को देखकर। तो अगर आपको एक ऑफिस ड्रामा देखना पसंद है तो इस जेम को देखना ना भूलें।